करनाल केंद्री में गो रक्षा दल व पुलिस के सहयोग से अनाज मंडी व सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में इंद्री के एसएचओ सतपाल सिंह का विशेष सहयोग रहा। गो रक्षा दल के सदस्यों ने इंद्री की अनाज मंडी में बेसहारा गोवंशों को पकड़कर मथाना गौशाला में पहुंचाया। इस अवसर पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि हल्के में गो रक्षा दल के सदस्यों के साथ मिलकर बेसहारा सड़कों पर व गलियों में घूम रही गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये गोवंश कहीं बाहर से तो आया नहीं है, हमारे ही किसानों व पशुपालकों ने इनको छोड़ा है। किसानों व पशुपालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पशु हमें दूध देते हैं उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। उन्होंने सभी पशुपालक किसानों से अपील की कि वह गोवंश को दूध खत्म होने के बाद बेसहारा सड़कों पर ना छोड़े, अपितु उन्हें घर पर ही पाले या किसी गौशाला में छोड़कर आए और यथासंभव गौशाला में पशुओं के चारे के लिए दान अवश्य दे। गो रक्षा दल के प्रधान सचिन शालिंडे ने कहा कि गोवंश को दूध ना देने पर बेसहारा सड़कों पर छोड़ देना पाप है। हम गाय को माता कहते हैं तो उस माँ के प्रति हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें बेसहारा ना छोड़ा जाए। सचिन ने कहा कि जो लोग गोवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं उनके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस बात की मांग प्रदेशाध्यक्ष ने भी सरकार से की है। उन्होंने इस कार्य में इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह का विशेष आभार जताया, जिनके सहयोग से गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। आज इंद्री अनाज मंडी में जो अभियान चला गया है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से वह गोरक्षा दल द्वारा का अभियान चलाया गया है। बेसहारा गोवंशों को पकड़कर गौशाला में पहुँचाया गया, जिसमें हमारे को पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला है। पुलिस प्रशासन की मदद से हमने इन गोवंशों को पकड़ा है, उनको गौशाला ले जाया जाएगा। यहाँ के जो इंद्री पुलिस है, जो यहाँ के जो सच्चे श्री सतपाल सिंह, उन्होंने जो है एक जमीनी स्तर की सोच रखी है, अपनी जिम्मेवारी से हटकर उन्होंने एक सोच पैदा किया कि जो बेसहारा गोवंश, जो हमारे पास लगातार केस आ रहे थे, एक्सीडेंट केस, मृत गोवंश व तस्करी के केस आ रहे थे, एसएचओ साहब ने तस्करी पे तो लगाम कसी है, वहीं उन्होंने आज एक नई सोच उज्ज्वल किया। उन्होंने हमारे को आदेश दिया कि जितना भी गोवंश है उनको पकड़कर आप गौशाला भेजो, जितना खर्चा आएगा वो सारा मैं अपनी जेब से दूंगा। जिस सोच को हम सल्यूट करते हैं, गोरक्षा दल आभार व्यक्त करता है इंद्री पुलिस प्रशासन का, वहीं हम एसएचओ श्री सतपाल सिंह जो ग्रेट ऑफिसर हैं, इनकी सोच को हम सल्यूट करते हैं। दार हैं जो व्यक्ति है जो दूध पीने के बाद गोवंश को बेसहारा छोड़ देते हैं, उनको एक संदेश दिया है कि जो गोवंश हमारा ना होते हुए वो हम सबका गोवंश है। सर ने आज एक ये संदेश दिया कि इनको गौशाला में छोड़ा जाए, और अगर सभी इनको बेसहारा छोड़ने के बजाय गौशाला में छोड़ देंगे तो शायद मैं तो कहूँगा कि आज ना तो हमको और ना हमारे सर को इस सेवा के लिए आगे नहीं आना पड़ता, क्योंकि ये गौवंश ऑलरेडी गौशाला में होता। जब लोग इनको बाहर छोड़ देते हैं तो हमको ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं मर जाते हैं, तो हमको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं मुश्किलों को देखते सर ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिसका गौ रक्षा दल आभार व्यक्त करता है। जैसे उन्होंने गोवंश पाला, 4 या 5 साल उन्होंने घर में गोवंश रखा, उसका दूध पिया, उसके बाद क्या करता है उसको रोड पर छोड़ देते हैं। अरे कम से कम माँ के दूध का कर्ज तो सभी निभाते हैं, तो वो भी गौ माता भी हमारी माता है, तो उसका दूध पीने के बाद बाहर ना छोड़े, गौशाला छोड़े। अगर आप ही छोड़ोगे तो हमारे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गोवंश जो बाहर है ये कहीं आसमान से नहीं आता, वो हम सब की देना, हम सभी इनको बाहर छोड़ देते हैं तो ये ऐसे दर बदर भटकता है, इनको गौशाला छोड़ दे और गौशाला में अधिक से अधिक दान दे। हाँ बिल्कुल, जो दूध पीने के बाद इनको बाहर छोड़ जाते हैं, हमारे आचार्य जी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी मांग की थी कि इनके 11,000 रुपये जुर्माने की जो मांग की थी इनके, जो गोवंश को दूध पीने के बाद बेसहारा छोड़ देते हैं। हमने गोरक्षा दल की एक टीम के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है, जो लोगों ने आवारा गायें सड़कों पर छोड़ रखी हैं, ये रात को बड़ी इनसे दुर्घटनाएं होती हैं, रात को दिखाई नहीं देती, काफ़ी दुर्घटना होती हैं, उनको रोकने के लिए हमने एक अभियान चलाया है मिलकर गोरक्षा टीम के साथ। भी जितने भी पशु गायें आवारा मिलती हैं इनको पकड़ कर और गौशाला में छोड़ेंगे, ये ऐसा तो सरकार की तरफ से कोई प्रावधान आएगा तो उस पर संज्ञान लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम लगातार ये अभियान चलाएंगे, लगातार शहर में हों, सड़क पे हों, जहाँ भी मिलती हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा रात को जाते हो सड़क पर बैठी मिलती हैं, जिससे काफ़ी दुर्घटनाएँ होती हैं और मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमने गोरक्षा टीम के साथ मिलकर एक अभियान चलाया कि गायों को पकड़कर और गौशाला में बात कर गौशाला में इनको छोड़ा जाता है। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ़ भी कोई संज्ञान में लाया जाएगा। मैं तो सभी से ये संदेश देना चाहूँगा, अगर जिम्मेदार लोग हैं तो उसमें तो ये कहूँगा, अगर एक एक गायें भी वहाँ से सड़क से पकड़ कर अपने घर ले जाएँ और उनको पालें तो उससे भी काफ़ी समस्या हो जाएगी।
गौशाला को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, गौशाला में पहले से बहुत पशु होते हैं, उनके पास राशन वगैरह चारे की बड़ी प्रॉब्लम होती है, चारा के लिए उनको मतलब खर्चा भी चाहिए, चारा भी चाहिए। तो इसलिए सभी लोगों से अपील करूँगा भी हर इंसान ने थोड़ा बहुत गौशाला में जरूर दान देना चाहिए। टीम के साथ मिलकर हमने इनको पकड़कर ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.